दोस्तों, मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने आज यूट्यूब पर सुबह में 11 बजे करीब में डाला था। 5-6 लोग ने देखा, बहुत खुशी हुई। जो फर्स्ट वीडियो में 5-6 लोग ने देखा, वो देखे होंगे तो जो उनका मोटिफिकेशन बढ़ा होगा। जो उनके उनसे भी ज़्यादा खराब स्थिति में कोई लड़का है जो स्ट्रगल करते हुए भी अपना आगे बढ़ रहा है, और वो इतना हिम्मत का भी तो जोड़ है जो वीडियो बना कर और लोगों को भी ये समझाना चाह रहा है। जो वो कुछ गलत कदम नहीं उठाए, अपनी ज़िंदगी को जो परेशानी उसको दूर करे, ऐसा है। मैं वीडियो बनाना इसलिए स्टार्ट किया, 2 दिन पहले मेरा एक फ्रेंड था, बहुत जिगरी फ्रेंड था, वो सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया था। मैं भी गया देखने, उसको शादी का 2 साल हुआ था, मुझसे ज़्यादा ही स्थिति में वो अच्छा था। तो वो मर गया तो मैं उसको वो तकलीफ तो था, उससे ज़्यादा तकलीफ तो अब होने वाला है। आप सोचिए, जो नई नई लड़की है उसका क्या होगा, वो तो कहीं की नहीं रही। तो ये सब तो सोचता नहीं है, लोगों मर जाता है। मैं अपने बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे बारे में जानना आपको इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि बोलने से पहले आपको भी तो पता लगे मैं किस हालात से हूँ। तो लॉकडाउन से पहले मेरा खुद का शॉप था कंप्यूटर का, मैं 2 स्टाफ रखा था। और लॉकडाउन के बाद मेरा स्थिति, समय, नसीब जो बोलिए आप लोग, वो ख़राब हो गया। ख़राब होने के कारण मेरा शॉप जो है वो बंद हो गया, और बंद होने के बाद मैं रोड पे आ गया। उसी बार में तबीयत ख़राब हो गया, वाइफ का बहुत कुछ हो गया, मेरा मैरिज भी हो गया था लॉकडाउन में ही। नसीब का खेल देखिए, होटल वगैरह बुक था जिसमें पैसा था, और लॉकडाउन हुआ, सब कुछ पैसा दिया नहीं, शादी विवाह हो गया। शादी होने के बाद और मेरा वाइफ का तबीयत ख़राब हो गया, मेरा तबीयत ख़राब हो गया, ये सब हो गया। मुझे खुद गोल्ड ब्लडर है, ऑपरेशन करवाना, पैसे नहीं थे। घर का इसी ऐसा स्थिति हो गया, जो खाने के लिए पैसे नहीं थे, और मुझे समोसा खाने के लिए पैसे नहीं थे। अब सोचिए, इससे ज़्यादा तकलीफ क्या इंसान को होता है, या समय खराब होना, या नसीब खराब होना होता। फिर भी मैं ज़िंदा हूँ। मैं पहले 1 महीने तक घर पे बैठा रह गया, क्या करूं नहीं करूं, थोड़ा दिमागी संतुलन खो गया। आप इस समाज से जुड़े हुए मेरे जैसे लड़के हैं, या मेरी माता बहन जो भी वीडियो देख रहे हैं, ये सोच समझ सकती हैं जो उस हालात में लड़का का दिमाग कितना ख़राब होना जाएगा। फिर भी मैं अपने आप को उस हालात से निकाला, समझा, कहा जी जब तक तो कुछ कहूँगा नहीं तो कुछ होगा नहीं, नसीब को दोष देने से क्या फ़ायदा है। और मेरा शादी का सालगिरह है, हर इंसान उसको केक काट के सेलिब्रेट करता है, कुछ कर कर नहीं। मेरे घर पे खाने के लिए पैसे नहीं तो मैं सेलिब्रेट कहाँ से करूँ। सेलिब्रेट तो दूर की बात है, घर पे अच्छा पेट भर खाना मिल जाए बड़ी बात है। मैं आज सोचा किसी भी हाल में कैसे भी करके मैं कमाऊँगा से। तो आप सोच रहे होंगे, जो जब मैं इतना जानता हूँ सब कुछ, तो नौकरी क्यों नहीं करना चाह रहा हूँ। नौकरी करना मैं चाह रहा हूँ, कितना देगा, 8,000, 9,000 रुपया, 10,000 देगा, लेकिन 30 दिन काम करूँगा तो ना देगा। और आप भी जानते हैं, इस दुनिया से वाकिफ है, समाज यहाँ के हर इंसान से वाकिफ है। मंथली लगने के बाद पैसे नहीं देते, और जिसका रोज का खर्च वो मंथली में देगा तो और बदतर स्थिति हो जाएगा। तो मैं आज घर से निकला था, बोला था मैं जा रहा हूँ, कहीं पे जा रहा हूँ। गया तो रास्ता में देखा एक ईंटा ढोने वाला ये सब जो काम कर रहा था, तो मैं गया उनसे पूछा, कोई काम है मुझे काम दीजिएगा। मेरा का पहनावा ही देख के बोल रहा है, तुमसे काम नहीं होगा, चेहरा देख के। मैं बोलूँगा आप दो तो काम सही, मैं काम कैसा भी काम हो कर लूँगा। एक अच्छे व्यक्ति थे, वो बोले ठीक है तुम कर लो, लगता है तुम्हें पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत सकता है। मैं काम किया, मुझे 450 रुपये मिला है, मेहनत का कमाई था मिला। मैं 450 रुपये लेके बहुत खुश हुआ, जाऊँगा घर पे सब सामान खरीदूँगा तो कुछ घर पे बनेगा। सेम ऐसा ही हुआ, घर पे आया, सामान से खरीद कर दिया। घर वाले भी पूछे क्या किया नहीं किया, हम खाली मेहनत करके आया हूँ। अब घर वाले को कहने से क्या फ़ायदा, वो जानेंगे तो और तकलीफ़ होगी, जैसा लड़का ऐसा सच ऐसा में स्थिति में था, ये काम करने गया। तो ये दिल से निकाल दो भाई मेरे,
जो मुझे ये काम नहीं होगा वो काम करने में लाज लग रहा है, ये सब कुछ नहीं है। हंसना समाज का काम होता है, कुछ करना आपका होता है। आप कैसे भी हो, पैसा कमाओ, समय को बदलो, समय बदलेगा इंसान भी बदलेगा। जो आज आपका नहीं है कल वो आपका ही गुन गाएगा। और दिमाग में अगर कहीं ये कोना में बैठा हुआ है ऐसे, मुझसे मेरा नसीब ख़राब है, मैं ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, तो दिमाग से निकाल दो। अगर आप देखो आपसे ज़्यादा तकलीफ़ में तो मैं ही हूँ, और मुझसे भी ज़्यादा तकलीफ़ में और कोई होंगे। तो मेरा ख्याल आया आज, क्यों नहीं इस सब पर वीडियो ही बना कर डाला जाए। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊँ, मैं जो कष्ट काट रहा हूँ या स्ट्रगल कर रहा हूँ, जो मैं जी रहा हूँ, तो तीन ही आदमी देखे तो कम से कम उनको भी तो लगे जे ज़िंदगी जिया जा सकता है, मरा नहीं जा सकता है। मेरा मकसद बस यही है। तो यही सब सोच के मैं ये यूट्यूब पर वीडियो डालना स्टार्ट करा किया हूँ। और मैं आपसे ये और वीडियो के लेखा नहीं कहूँगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करिए, सब कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, लेकिन आप थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं तो मेरा हालात, तो मेरे गति को समझ सकते हो। जब यूट्यूब का एक नियम है, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन, जैसे मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगा। अगर आप मेरा वीडियो नेक्स्ट देख सकते हो तो मैं बोलूँगा वो भी मत करो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर करना, मेरे वीडियो को शेयर जरूर कर देना। क्योंकि आपके शेयर करने से अगर कोई आपको लगे जो उस हालात से गुजर रहा है या उस स्थिति में, उसको बोलो एक बार वीडियो देखे, अगर देख के वो अच्छा कदम अच्छा राह की ओर चल देता है तो ये तो हमारे और आप दोनों के खुशी की बात है। और किसी का लाइफ बन जाए और अच्छा स्थिति में हो, गलत कदम नहीं उठाए, अपने परिवार को अच्छा रखे, माता पिता को, भाई बहन को, वाइफ को अच्छा रखे, तो इससे ज़्यादा खुशी का क्या बात हो सकता है। मेरी सिस्टर और माँ और चाहे मेरे भाई जो भी हो, आप ही लोग बताइए क्या अच्छे सोच है कि नहीं सोच है। आप सोचिए मैं इस हालात में हूँ फिर भी मैं लोगों के लिए प्रेरणा, मतलब कि एक बात बताना चाहता हूँ कि वो नहीं कदम उठाए, तो सोचिए मैं कितना अंदर से टूटा भी जूटा भी बहुत कुछ किया। तो मेरा वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है, कहने का तो बहुत कुछ है मेरे पास, सुनाने का भी बहुत कुछ है, लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ तो बता नहीं पाऊँगा। आप भी जानते हो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, छोटा छोटा वीडियो डाल कर ही मैं अपनी ज़िंदगी का हर एक चीज़ आपको कभी कभी बताता रहूँगा, और मैं जो स्ट्रगल कर रहा हूँ, जैसे जी रहा हूँ, वो भी बताता रहूँगा। और मेरा हाथ जोड़ कर, मदर डे है तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, माता और बहन सभी से निवेदन है कि आप लोग भी कभी भी कुछ घर में कलह हो, कुछ हो, या घर का हालात ख़राब हो या कुछ ख़राब हो, ये गलत कदम मत उठाएं। क्योंकि एक लड़का पे ब्लेम मत उठाएं, क्योंकि एक लड़का बहुत संघर्ष करता है, बहुत सोचता है, बहुत कुछ करता है, अपने परिवार के लिए सोचता है, और कुछ ख़राब भी होते हैं, इसका मैं आपका बात मानता हूँ, जो गलत निचर का, लेकिन सबको एक ही जैसा मत हाँके, और अपना कदम बत कभी भी सुसाइड की ओर मत बढ़ाएं। और मेरा वीडियो को जरूर किसी ऐसे लोग को जो आपके नज़र में हो, जो बर्बाद हो गए हो, गलत सोच में, टेंशन में हो, मोटिवेशन में हो, उसको को वीडियो एक बार जरूर दिखाएं। क्योंकि बताएं उनको भी, कोई लड़का है जो वीडियो बना रहा है, वो अपने बारे में जानकारी दे रहा है और वो कैसे जी रहा है, ये सब वो देखेगा तो उसको भी एक होगा, हिम्मत होगा जो देखो मेरे जैसे, मुझसे भी ख़राब स्थिति में है कोई, जो इतना सोच होने के बाद भी वीडियो बना के बताना चाह रहा है जो गलत राह नहीं चुनना चाहिए, और कोई अच्छा राह पे आ जाएगा तो इससे अच्छा क्या खुशी का बात है हमारे लिए और आपके लिए, है कि नहीं। वीडियो बनाने का तो लोग बहुत कॉमेडी बनाता है बहुत, लेकिन मैं वो सब नहीं चाहता हूँ। मैं ज़िंदगी के वास्तविक से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ, जो ज़िंदगी में क्या है, ज़िंदगी क्या देती है, क्या छीनती है, ये सब कुछ है। और बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बोल वैसे ही बोला, समय 10 मिनट का होने वाला है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आपको बताऊंगा। और हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, मेरे भाई जो मेरे उम्र के हो या मुझसे बड़े भी हैं, उनसे उसे भी हाथ जोड़ के निवेदन कर, गलत कदम मत उठाएं, अपने हालात को दोषे मत, उस हालात को दूर करने के लिए सोचिए, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो समाज आपको कोई कुछ नहीं दे देगा, अगल बगल में कोई कुछ नहीं दे देगा, इसलिए हालात से डरे नहीं, उससे सामना करो, जैसे मैं कर रहा हूँ, रोता भी हूँ, हंसता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ, रोने से रोता हूँ, अपने आप को तसल्ली देता हूँ, आंसू पोंछता हूँ, फिर कल के लिए तैयार हो जाता हूँ। थैंक यू दोस्त वीडियो देखने के लिए, कल फिर
नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। थैंक यू।